वास्तुशास्त्र हर किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, इसीलिए हर किसी को वास्तु से जुड़ी बातों और नियमों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी दुकान में आमदनी आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, तो वास्तु की ये आसान बातें आपकी मदद कर सकती हैं। अगर आपकी दुकान में आपकी अपेक्षा से कम कमाई हो रही हो और कारण समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसका कारण वास्तु की गलतियां हो सकती हैं। वास्तु के हिसाब से ऐसी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो बिजनेस में फायदा होगा। ये है ऐसी ही कुछ बातें। दुकान के ईशान कोने को खाली रखें और वहां साफ सफाई का खास ध्यान रखें। दुकान घर या फैक्ट्री के सामने खंभा या सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना अशुभ माना जाता है। अगर ऐसा हो तो इसके असर को कम करने के लिए मेन गेट पर रोज फ्रेश फूल लगाएं। दुकान में तराजू पश्चिमी दक्षिणी दीवार के साथ किसी स्टैंड पर रखना चाहिए। दुकान में सीढ़ियां ईशान कोने में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो इसके बुरे असर को कम करने के लिए सीढ़ी के नीचे विंड चाइम लगा दें। अगर दुकान में डबल शटर है, दोनों शटरों को खुला रखें। कई लोग दुकान में दो शटर होने पर एक बंद को रखते हैं, जो कि वास्तु के हिसाब से गलत माना जाता है। दुकान का मंदिर ईशान कोने में स्थापित करें। उस मंदिर में रोज सुबह शाम जोत जरूर लगाएं। तिजोरी में चांदी या सोने का सिक्का रखें, इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।